वेलकम स्टूडेंट इन सुभाष इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 7 द क्रेन एंड द क्रैब. यहाँ पर एक इस लेसन में क्रेन और क्रैब की स्टोरी बताई है. क्रेन का मीनिंग होता है सारस और क्रैब का मीनिंग है केकड़ा. तो ये सारस और केकड़े की कहानी है. वंस अ लार्ज नंबर ऑफ फिश लिव्ड इन अ पॉन्ड. एक बार एक पॉन्ड में बहुत सारी फिश थी. वन ईयर देयर वर नो रेन्स एंड इट वॉज वेरी हॉट एंड ड्राई. द पॉन्ड वॉज ड्राइंग अप. एक साल वहाँ पर बारिश नहीं हुई और वो पॉन्ड जो था बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण सूख गया. देयर वॉज अ क्लेवर क्रेन. इट वेंट टू द फिश एंड सेड डियर फ्रेंड्स आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. वहाँ पर एक क्लेवर क्रेन था जो कि बहुत चतुर था. वो फिश के पास गया और उसने फिशेस से कहा कि डियर फ्रेंड्स आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ. देयर इजेंट मच वाटर इन योर पॉन्ड सो सून देयर वॉन्ट बी एनी वाटर एट ऑल एंड यू विल डाई. कि अब यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है इस तालाब में, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और जल्दी ही ये तालाब सूख जाएगा और तुम सब मर जाओगे. आई नो ऑफ अनदर पॉन्ड विथ अ लॉट ऑफ वाटर. और मैं एक ऐसे पॉन्ड के बारे में जानता हूँ जहाँ पर बहुत सारा पानी है. कम विथ मी एंड आई विल टेक यू देयर. मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ. अब फिश जो थी उन्होंने उससे पूछा. द फिश आस्क्ड इट इज़ ट्रू. क्या ये सही है जो तुम कह रहे हो कि तुम एक दूसरे पॉन्ड के बारे में जानते हो जहाँ बहुत सारा पानी है. द क्रेन सेड ऑफ कोर्स इट इज़. अब क्रेन ने कहा बिल्कुल मैं ऐसे पॉन्ड के बारे में जानता हूँ. कम विथ मी आई विल शो इट टू यू देन यू विल बिलीव मी. कि मेरे साथ आओ तुम, तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा. द फिश एग्रीड एंड सेंट वन ऑफ देम विद द क्रेन. फिश तैयार हो गई, सहमत हो गई इस बात के लिए और वह उसके साथ गई. द क्रेन शोड द पॉन्ड टू द फिश एंड ब्रॉट इट बैक. अब क्रेन ने जो है वो फिश को पॉन्ड दिखाया और वो वापस उसे वहाँ पर लेकर आ गया फिश को. दिस फिश टोल्ड इट्स फ्रेंड्स ऑल अबाउट द लवली पॉन्ड. अब जो फिश उसके साथ देखने गई थी पॉन्ड को, उसने आकर दूसरी फिशेस को उस पॉन्ड के बारे में बताया कि वो बहुत अच्छा पॉन्ड है, बहुत सुंदर पॉन्ड है. दे ऑल वॉन्टेड टू गो देयर. और सभी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गई. द क्रेन सेड आई विल टेक यू देयर वन बाय वन. दे एग्रीड. अब क्रेन ने कहा कि ठीक है. वो जब सब तैयार हो गई तो क्रेन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक एक कर वहाँ लेकर जाऊँगा. और सभी फिश उस चीज़ के लिए तैयार हो गई कि ठीक है, हमें एक एक कर तुम दूसरे पॉन्ड पर ले जाना. द क्रेन टुक अ फिश इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे. अब क्रेन ने क्या किया, फिश को अपनी चोंच में लिया. बीक मीन्स चोंच. उसको अपनी चोंच में लिया और दूर उड़कर ले गया. बट दिस टाइम इट डिड नॉट टेक द फिश टू द पॉन्ड. लेकिन वो जब फिश को लेकर उड़ा तो वह पॉन्ड के पास नहीं ले गया फिश को. इट फ्लू टू अ ट्री सेट ऑन अ ब्रांच एंड एट इट अप. वो उड़कर कहाँ चला गया, एक पेड़ पर चला गया फिश को लेकर. और पेड़ की ब्रांच पर जाकर, ब्रांच में शाखा पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ गया और उसे खा गया. इट देन वेंट बैक टू द पॉन्ड टुक अनदर फिश एंड एट इट अप टू. फिर वो वापस से पॉन्ड के पास आया, दूसरी फिश को लिया और उसे भी पेड़ पर ले जाकर खा गया. इस तरीके से वो एक एक करके उसने सारी फिशों को खा लिया. इन दिस वे द क्रेन एट अप ऑल द फिश इन द पॉन्ड. इट थॉट आई एम वेरी क्लेवर. और इस तरीके से एक एक करके उसने उस पॉन्ड की सारी फिशेस को खा लिया, फिश को खा लिया. और वह सोचने लगा कि मैं तो बहुत चतुर हूँ. देयर वर नाउ नो फिश इन द पॉन्ड बट देयर वॉज अ क्रैब. अब उस पॉन्ड के अंदर एक भी फिश नहीं रही और वहाँ पर क्या रहा था, एक क्रैब था, केकड़ा था. द क्रेन वेंट टू द क्रैब एंड सेड. अब जो क्रेन था वो क्रैब के पास गया और उससे कहा देयर इज एंट मच वाटर इन दिस पॉन्ड एंड इट विल सून ड्राई अप
शैल आई टेक यू टू द अदर पॉन्ड। और उसने उससे जाकर कहा कि इस पॉन्ड में अब पर्याप्त पानी नहीं है, मतलब ज़्यादा पानी नहीं है, और इट विल सून ड्राई अप, यह सूखने वाला है। शैल आई टेक यू टू अदर पॉन्ड, मैं तुम्हें दूसरे पॉन्ड पर ले चलता हूँ। जैसा कि उसने फिश से कहा था, अब वही चीज़ उसने क्रैब से भी कही। द क्रैब सेड, ऑल राइट बट डोंट टेक मी इन यू बीक, आई मे फॉल डाउन, लेट मी होल्ड ऑन योर नेक। अब क्रैब को उससे जब उसने ये बात कही कि मैं तुम्हें दूसरे पॉन्ड में ले चलता हूँ, तो क्रैब ने उससे कहा ठीक है, परंतु तुम मुझे अपनी बीक में नहीं लेके जाओगे, मतलब चोंच में नहीं लेके जाना। आई मे फॉल डाउन, मैं गिर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी नेक को होल्ड कर लूँगा, नेक को पकड़ लूँगा, और तुम मुझे दूसरी पॉन्ड में ले जाना। द क्रेन एग्रीड एंड द क्रैब कॉट होल्ड ऑफ द नेक ऑफ द क्रेन विथ इट्स क्लॉज। अब क्रेन इस चीज़ के लिए एग्री हो गया कि ठीक है, मैं तुम्हें बीक में नहीं लूँगा, और तुम मेरी नेक को पकड़ लेना। और जो क्रैब था उसने उसकी नेक को अपने पंजों से पकड़ लिया, क्लॉज मीन्स पंजे, और उसने अपने पंजों से उसकी नेक, क्रेन की नेक को पकड़ लिया। द क्रेन रोज फ्रॉम द ग्राउंड एंड फ्लू टुवर्ड्स द ट्री, क्रेन जो था वो उड़कर पेड़ की तरफ जाने लगा। द क्रैब बिकम अफ्रेड, इट आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, जब क्रैब ने उसे देखा तो वह डर गया कि ये पेड़ की तरफ क्यों ले जा रहा है मुझे, तो उसने उससे पूछा वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम, वॉट डू यू वॉन्ट टू डू विथ मी, और तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। द क्रेन लाफ्ड एंड सेड, क्रेन जो था वो हंसा और उसने कहा ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू ईट यू, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। द क्रैब सेड बट यू वॉन्ट, आई विल किल यू फर्स्ट, एंड इट डग इट्स टू शार्प क्लॉज इन टू द क्रेन्स नेक। अब क्रेन ने कहा कि तुम मुझे मारोगे, तुम मुझे मारना चाहते हो, पर उससे पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसने जो अपने शार्प मतलब नुकीले, जो उसके नुकीले पंजे थे, उनको उसने उसकी नेक में चुभा दिया और क्रेन को मार दिया। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारा भी बुरा हो सकता है। अभी हमने इस स्टोरी को समझा, नाउ सी द वर्कशीट। अब हम इस लेसन की वर्कशीट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग्स, सबसे पहले मीनिंग्स। मीनिंग्स के अंदर फर्स्ट फोर कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में वर्ड, सेकेंड कॉलम में प्रोनाउंस कि हम उस मीनिंग को कैसे रीड करेंगे, थर्ड कॉलम में इंग्लिश मीनिंग है उस वर्ड का, और फोर्थ कॉलम में हिंदी मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग है बिलीव। बिलीव का इंग्लिश मीनिंग है टू फील सर्टेन डेट समथिंग इज ट्रू, और उसका हिंदी मीनिंग है विश्वास। इसी तरीके से हम बाकी के आगे के मीनिंग देखेंगे। नेक्स्ट है ड्राई, नॉट वेट, विदाउट वाटर, सूखा। पॉन्ड, अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, तालाब। शार्प, हैविंग अ फाइन एज और पॉइंट, तीखा या नुकीला। ट्वार्ड्स, इन द डायरेक्शन ऑफ समबडी, की ओर। क्वेश्चन नंबर वन, कंप्लीट द वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। अब आपको यहाँ पर एक पजल दी हुई है, ये आपको फिल करनी है, और इसके लिए आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से आपको इसको फिल करना है। तो क्लूज, फर्स्ट क्लू है अ सी क्रिएचर विथ अ हार्ड शेल, एट लेग्स एंड टू पिंसर्स। पिंसर्स मीन्स होता है आँखें। एक सी क्रिएचर, एक समुद्र का प्राणी जिसकी हार्ड शेल, जिसके ऊपर की जो स्किन होती है वो बहुत हार्ड होती है, एट लेग्स होते हैं उसके, और टू पिंसर्स, दो आँखें होती हैं, तो वो कौन सा एनिमल है, तो वो है क्रैब, सी आर ए बी। इस तरीके से हम यहाँ पर फिल करेंगे फर्स्ट वाले में। सेकेंड है द ओपनिंग पार्ट ऑफ द माउथ ऑफ बर्ड्स, इट इज हार्ड पॉइंटेड और कर्व्ड। बर्ड्स का
आगे का मुंह का हिस्सा जो कि बहुत हार्ड पॉइंटेड होता है, एकदम तीखा होता है और घुमावदार होता है, कर्व्ड मीन्स घुमावदार, तो वो कौन सा होता पार्ट? तो वो होता है बी ई ए के, बीक। तो हम सेकेंड वाले कॉलम में लिखेंगे बीक। थर्ड, इट इज अ लार्ज बर्ड विथ लॉन्ग लेग्स, एक बहुत बड़ी बर्ड, बहुत बड़ा पक्षी जिसकी लंबी लेग्स होती हैं, तो वो कौन सा होता है? वो होता है क्रेन, सी आर ए एन ई, क्रेन। तो यहां हम फिल करेंगे क्रेन। फोर्थ, द शार्प कर्व्ड नेल्स एट द एंड ऑफ एन एनिमल और बर्ड्स फुट। अब जिसके नेल्स शार्प और कर्व्ड घुमे हुए होते हैं, और वो कौन सा एनिमल होता है? तो वो होता है क्रैब, सी आर ए बी क्रैब, यहां पर हम फिल करेंगे क्रैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स और फ्रेज गिवन। यहां पर आपको कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस दी हुई हैं, इनकी हेल्प से आपको सेंटेंस में जो सुटेबल है वो फिल करना है। फर्स्ट है नेक, ट्रू, क्लॉज, ट्वार्ट्स, बिलीव, शार्प, ऑफ कोर्स, ड्राइड अप, बीक, रेन्स और फिश। ये यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, लास्ट ईयर देयर वॉजेंट एनी रेन इन योर डिस्ट्रिक्ट, इन आवर डिस्ट्रिक्ट द वेल्स एंड पॉन्ड्स, यहाँ फिलअप में क्या आएगा? ड्राइड अप। यहाँ पर इसका मीनिंग है कि लास्ट ईयर, पिछले साल बारिश नहीं हुई हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और वेल्स और पॉन्ड्स क्या हो गए? सूख गए। तो सूखने के लिए क्या आएगा? ड्राइड अप। द फार्मर वर वेरी सैड, फार्मर जो किसान जो थे वो बहुत दुखी थे, बट दिस ईयर वी हैड गुड डैश एंड द फार्मर्स हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। पर इस साल क्या हुई? रेन्स हुई, मतलब बारिश हुई, तो यहाँ पर हम रेन्स फिल करेंगे, और फार्मर्स के पास क्या हो गया? प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी मिल गया उनको। सेकेंड है मोहन, मोहन यहाँ पर कह रहा है, रामू योर फादर इज सिटिंग इन द टीचर्स रूम, ही वॉन्ट्स टू सी यू। रामू तुम्हारे पापा टीचर्स रूम में बैठे हुए हैं और वे तुम्हें देखना चाहते हैं। अब रामू यहाँ कह रहा है, आई डोंट डैश यू, माई फादर वॉन्ट कम हियर, कि आई डोंट डैश यू, तो यहाँ पर क्या आएगा? कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ, तो विश्वास के लिए यहाँ पर आएगा बिलीव, कि आई डोंट बिलीव यू माई फादर वॉन्ट कम हियर, कि मेरे फादर यहाँ पर आए हैं। मोहन कह रहा है, इट इज डैश आस्क बाबू, इट इज ट्रू, ये सही है, तो सही के लिए क्या आएगा? ट्रू, तो यहाँ फिल करेंगे हम ट्रू। इट इज ट्रू, ये सही है, आस्क बाबू, बाबू से पूछ लो, पूछो, ही विल टेल यू, वह तुम्हें बता देगा। थर्ड है अनीस, अनीस कह रहा है, डू यू लाइक योर लिटिल ब्रदर, क्या तुम अपने छोटे भाई को पसंद करते हो? तो भोला यहाँ पर बता रहा है, डैश आई लाइक यू, तो यहाँ क्या आएगा? ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल के लिए क्या आएगा? ऑफ कोर्स आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। फोर्थ सेंटेंस है, हियर इज अ क्रेन इन दिस पिक्चर, इट हैज अ डैश इन इट्स डैश। अब बुक के अंदर आपको एक पिक्चर दी हुई है, उससे रिलेटेड ये सेंटेंस दिया है आपको, और हमें उसको फिल करना है कि यहाँ पर एक क्रेन की पिक्चर है, इट हैज अ डैश इन इट्स डैश, और उसके पास क्या है? एक फिश है, और किस जगह है? इन इट्स बीक, उसकी चोंच में। तो वो पिक्चर ऐसी बताई हुई है बुक के अंदर कि एक क्रेन है जिसकी बीक में फिश है, तो हम यहाँ पर फिश और क्रेन बीक फिल करेंगे। द अदर बर्ड इज कैरिंग अ चिक इन इट्स डैश, और एक दूसरी बर्ड बताइए उसी पिक्चर में, उसने कैरी कर रखा है किस में? क्लॉज में, पंजे में कुछ चीज कैरी कर रखी है, तो यहाँ हम फिल करेंगे क्लॉज। फिफ्थ है, दिस नाइफ डज नॉट कट वेल, ये चाकू अच्छे से कट नहीं कर रहा है, इट इज नॉट डैश, अब वो कैसा है? इट इज नॉट शार्प, वो नुकीला नहीं है, इसलिए वो कट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ फिल करेंगे शार्प।
नेक्स्ट सेंटेंस है, रवि'स काइट फेल टू द ग्राउंड, टू बॉयज रैन डैश इट। रवि की काइट ग्राउंड में गिर गई है और टू बॉयज क्या कर रहे हैं, उसकी ओर दौड़ रहे हैं, तो ट्वाइट्स यहाँ पर फील करेंगे हम ट्वाइट्स की ओर। सेवेंथ है, द कैमिल हैज अ लॉन्ग डैश। कैमिल की क्या होती है लंबी, नेक होती है, नेक मीन्स गर्दन, तो यहाँ फील करेंगे हम नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आंसर को चूज करना है और उसको टिक भी लगाना है और यहाँ पर फिलअप में फिल भी करना है। फर्स्ट है, द क्रेन वॉन्टेड, क्रेन चाहती है ए टू ईट ऑल द फिश इन द पॉन्ड, टू शो देम अ न्यू पॉन्ड, टू ईट सम ऑफ द फिश इन द पॉन्ड, टू टेक देम टू अ ट्री एंड लीव देम देयर। तो क्या चाहती थी क्रेन, वो सारी फिश को खाना चाहती थी, तो टू ईट ऑल द फिश इन द पॉन्ड, ये राइट आंसर है ए। सेकेंड, द फिश डिसाइडेड टू, फिश ने डिसाइड किया ए लिव इन द सेम पॉन्ड, बी गो टू द अदर पॉन्ड विद द हेल्प ऑफ द क्रैब, सी गो टू द अदर पॉन्ड थ्रू अ स्ट्रीम, एंड डी गो टू द अदर पॉन्ड विद द हेल्प ऑफ द क्रेन। फिश ने क्या डिसाइड किया कि वो क्रेन के साथ, क्रेन की हेल्प लेकर दूसरे पॉन्ड में जाएंगी, तो इसका आंसर आएगा डी, गो टू द अदर पॉन्ड विद द हेल्प ऑफ क्रेन। तो ये राइट आंसर है, इसलिए हम इस पे डी पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट थर्ड चूज, द क्रेन टुक द फिश अवे वन बाय वन, द फिश इन द पॉन्ड थॉट। तो क्रेन जो था उसने एक एक करके फिश को दूर लेकर गया, मतलब उस पॉन्ड से अदर पॉन्ड पर लेके गया। द फिश इन द पॉन्ड थॉट, तो फिश क्या सोचने लगी, ए द क्रेन इज ईटिंग अस वन बाय वन, बी द क्रेन इज टेकिंग अस टू द रिवर, सी द क्रेन इज ट्राइंग टू हेल्प अस, डी द क्रेन इज टेकिंग अस टू अनदर पॉन्ड। तो फिश ने क्या सोचा था कि वह क्रेन जो है वो उसे अनदर पॉन्ड, दूसरे पॉन्ड पर ले जाएगा, यही सोचा था, तो यहाँ पर हम राइट आंसर होगा डी और डी पर टिक लगाएंगे। फोर्थ है, द क्रेन वॉन्टेड द क्रैब टू, अब क्रेन चाहता था क्रैब से क्या चाहता था, टेक टू द अदर पॉन्ड एंड ईट इट, बी शो द अदर पॉन्ड एंड ब्रिंग इट बैक, टेक टू द अदर पॉन्ड एंड हेल्प इट, टेक अगेन टू अ ट्री एंड ईट इट। तो क्रेन क्या चाहता था कि वो उसको पेड़ पर ले जाए और खा ले, तो टेक अगेन टू अ ट्री एंड ईट इट, तो ये राइट आंसर है डी। फिफ्थ, इन द एंड, लास्ट में क्या हुआ, द क्रेन किल्ड एंड ईट द क्रैब, द क्रैब किल्ड द क्रेन, द क्रैब किल्ड द क्रेन एंड द क्रेन किल्ड द क्रैब। अब इसमें क्या हुआ है एंड में, द क्रैब किल्ड द क्रेन, क्रैब ने क्रेन को मार दिया, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उनके आंसर्स राइट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द पॉन्ड ड्राइंग अप, व्हाई का मीनिंग होता है क्यों, पॉन्ड क्यों सूख गया, ड्राइंग मतलब सूखना, तो पॉन्ड क्यों, Why was the pond drying up? Why का मीनिंग क्यों और drying means सूखना, pond क्यों सूख गया था, answer the pond drying up because one year there was no rain, क्योंकि एक साल वहां पर बारिश नहीं हुई थी। Second question, what did the clever crane say to the fish? What का मीनिंग क्या, अब clever crane ने say मतलब कहना, clever crane ने fish से क्या कहा, द आंसर द क्रेन ऑफर्ड द फिश टू टेक देम टू अदर पॉन्ड, क्रेन ने उनको ऑफर दिया फिश को कि वह उन्हें अदर पॉन्ड पर ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द क्रेन टेक द फिश, वेयर का मीनिंग कहाँ, अब क्रेन जो था वो फिश को लेकर कहाँ गया, आंसर द क्रेन टुक द फिश टू अ ट्री, वह फिश को लेकर कहाँ गया, ट्री पर गया, पेड़ पर गया। फोर्थ, वॉट डिड द क्रेन डू आफ्टर टेकिंग द फिश, क्रेन ने फिश के साथ, फिश को ले जाकर उसके साथ बाद में क्या किया, आंसर द क्रेन टुक अ फिश इन इट्स बीक
and flew away to a tree, sat on a branch and ate it up. क्रेन फिश को पेड़ पर ले गए, अपनी चोंच में लेकर दूर उड़ गया और फिर एक पेड़ पर जाकर बैठा, पेड़ की एक ब्रांच पर जाकर बैठा और उन फिशेस को खा लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द क्रैब किल द क्रेन? हाउ का मीनिंग कैसे, क्रैब ने क्रेन को कैसे मारा. किल मीन्स मारना. आंसर, द क्रैब डग इट्स टू शार्प क्लॉज इन टू द क्रेन्स नेक एंड किल्ड इट. क्रैब ने अपने टू शार्प क्लॉज, दो पंजे जो उसके नुकीले थे, उनको क्रेन की नेक में चुभा दिया, गड़ा दिया और उसे मार दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड टू हुम. हु का मीन होता है कौन कहता है, हु सेड कौन कहता है, टू हुम किसको कहता है. अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं तो वो लेसन में कौन कह रहा है और किसको कह रहा है वो हमें बताना है. फर्स्ट, आई नो ऑफ अनदर पॉन्ड विथ अ लॉट ऑफ वाटर. मैं जानता हूँ एक दूसरे पॉन्ड के बारे में जहाँ पर बहुत सारा पानी है. तो ये किसने कहा था, क्रेन ने कहा था और किससे कहा था, फिश से कहा था. नेक्स्ट, सेकेंड, इट इज ट्रू, क्या ये सही है. तो ये वाले सेंटेंस किसने बोला था, हु सेड, फिश, टू हुम, क्रेन. थर्ड, ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू ईट यू, बिल्कुल सही, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ. हु सेड कौन कहता है, क्रेन कहता है और टू हुम किसको कहता है, क्रैब को कह रहा है. फोर्थ, बट यू वॉन्ट आई विल किल यू फर्स्ट, परंतु मैं तुम्हें पहले मार दूंगा. हु सेड, क्रैब, टू हुम, क्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिव द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है. यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म का वर्ड दिया हुआ है और आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म बतानी है. फर्स्ट है लाफ, सेकंड फॉर्म है उसकी लाफ्ड और थर्ड फॉर्म है लाफ्ड. अब इसी तरीके से हम बाकी वर्ड्स की फॉर्म्स भी देखेंगे. से, सेड, सेड, एग्री, एग्रिड, एग्रिड, टेक, टुक, टेकन, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, कैच, कॉट, कॉट, राइज, रोज, राइजन. इसी तरीके से हमको ये हेल्पिंग, ये जो फॉर्म्स हैं वर्ब की, ये हमको याद करनी पड़ती हैं और इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, ये ध्यान रखना आप लोग. इसी तरीके से अगर कोई भी वर्ड होता है तो उसकी 3 फॉर्म्स वर्ब की जो 3 फॉर्म्स होती है वो इसी तरीके से हमको बनानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विथ. अब यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, मच, मैनी, प्लेंटी ऑफ, इससे आपको फिलअप को फिल करना है. फर्स्ट, मच का मीनिंग है बहुत, मैनी का मतलब भी बहुत होता है और प्लेंटी ऑफ पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त. फर्स्ट सेंटेंस है, लास्ट ईयर देयर वॉज डैश वाटर इन आवर वेल. लास्ट ईयर हमारे कुएं में मच वाटर था, मतलब अच्छा पानी, मतलब ज़्यादा पानी था. बट दिस ईयर देयर इज एन डैश वाटर, पर इस बार पर्याप्त मात्रा में पानी है. देयर इज एन एनी वाटर फॉर आवर गार्डन. सेकेंड है, देयर aren't डैश गर्ल्स इन दिस स्कूल. इस स्कूल में, यह स्कूल में या इस स्कूल में मैनी गर्ल्स थी, तो यहाँ हम फिल करेंगे मैनी गर्ल्स. देयर आर ओनली 10 और 12, वहाँ पर 10 और 12 ही थी. अब यहाँ पर मैनी और मच कैसे लगाना है हमको, जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते उसके लिए मच यूज़ करना है और जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल होती हैं, उनके लिए हमें मैनी यूज़ करना है. नेक्स्ट, थर्ड, वी डिड नॉट हैव डैश रेन लास्ट मंथ. लास्ट मंथ बारिश पर्याप्त नहीं हुई, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लेंटी ऑफ. फोर्थ है, ईट क्विकली, वी हैवेंट डैश टाइम, द बस लीव्स इन 5 मिनट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लेंटी ऑफ. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन. थैंक यू.